भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। सारे कष्ट इसी जन्म में आ जाएं तो अगला जन्म मेरा आनंद में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाए, मरने के भाव मत बनाइए। हाँ, ये बात अलग है, ये धमकियां बहुत देती भाई की मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर, पति भी कहता यार मरना है तो जल्दी करना। 20 साल से तो सुन रहा हूं ना, आज मर रही ना कल मर रही है, जल्दी मरे तो हम दूसरे की व्यवस्था करें। अब तुम ऐसी एज में जाके मरो, ना तुम अपनी रहो ना मैं किसी का हो पाऊं, ऐसे मर के भी क्या करूंगा। विचार करी मत बनाइए ऐसे भाव। हाँ, धमकी तो देना, बिना धमकी के महिलाओं ये सुधरने वाले भी नहीं है। बिना धमकी के तुम्हारा काम भी नहीं होता है। धमकियां दो, जरूर दो। आज से इस पंडाल से एक संकल्प लेकर जाओ, यदि तुम्हारा काम ना सुने तो धमकी दो। धमकी देना, धमक मत देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिए। इन्हें धमकियां दीजिए, लेकिन ये धमकी मत देना कि मैं मर जाऊंगी, और तुम दोगी भी तो इन्हें विश्वास नहीं होता, ध्यान रखना। कि 50 साल से तो सुन रहे यार मर जाऊंगी, ये तो बोलती रहती है, बकती रहती है, कोई सुनने वाले नहीं है। मैं आपको अपने काम बनवाने का एक सूत्र दे रहा हूं, ध्यान रखिए, बहुत प्यारा सा सूत्र दे रहा हूं। यदि वो बात बोल दी तो ये तुम्हारा काम जरूर सुनेंगे, तुम्हारे मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, मरने से तो बिल्कुल भी करने वाले नहीं है, ध्यान रखिए। आपसे मेरा निवेदन है, अब यदि कोई काम तुम्हारे पति तुम्हारा परिवार ना करे तो ये मत कहना कि मैं मर जाऊंगी। आज से नियम ले लो, ऐसी धमकी देना कहना मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन, मैं सन्यासिनी हो जाऊंगी। नहीं आया समझ में? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं आए, इन्हें जल्दी आएगा, क्योंकि मरने पर तो इनका विश्वास है कि ये मरने वाली बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन यदि तुमने कह दिया कि मैं माताजी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, तो ये सोचेंगे यार हो सकता है महाराज के लपेटे में आ जाए और घर छोड़ करके माताजी बनने चलिए। ध्यान रखिए मान्यवर, बात केवल हंसने की नहीं है। जिस क्षण आप कह रही हो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, उस समय यदि आयु कर्म का बंद हो तो ध्यान रखना, आरी का बनो या ना बनो, देवगति की पात्र हो जाया करती हैं, ध्यान रखिए। सदगति हो जाती है हमारे जीवन में। जब बुरे भावों से दुर्गति हो सकती है तो अच्छे भावों से सदगति क्यों नहीं हो सकती है? जब जिंदगी से तंग आ जाओ तो आप हत्या के विचार मत बनाना, संन्यास के विचार बनाना, तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन को पवित्र कर देंगे, ध्यान रखिए। मरने के भाव मत बनाइए, सन्यास के भाव बनाइए, बैराग के भाव बनाइए। और एक बात और बता रहा हूं, तीन चीज बड़े झटके में होती हैं, ध्यान रखना, सन्यास, दान और आत्महत्या। इन पे प्री प्लान काम नहीं चलता है, ये तो झटका लगा और पटका उठा के, ध्यान रखिए। जो आदमी सोचता है कि मैं आज नहीं कल दान दे दूंगा, वो आदमी जिंदगी भर दान नहीं देगा, ध्यान रखना, क्योंकि आज गया तो सब कुछ गया। भाव बार बार नहीं बना करते हैं दान दान के, और किसी के यदि महाराज बनने के भाव जगे हो, कल पे मत टालना मेरे भाई, चोरंत झटपट झटपट लो, खटपट मिटाओ। मैंने देखा है मेरे से पहले के ब्रह्मचारी जो सीनियर हैं वो आज भी ब्रह्मचारी बने घूम रहे हैं, वो दीक्षा नहीं ले पाए, वो मुनि नहीं बन पाए, वो साधु नहीं बन पाए, क्यों? पुराना हो गया सन्यास, पक गया सन्यास, अब दीक्षा के भाव ही पैदा नहीं हुआ करते हैं, अब उनके भाव ख्याति लाभ के हो जाया करते हैं। विनयी ब्रह्म विनयी महाराज बने, जब अपनी पूजा हो रही है तो महाराज बन के क्या करेंगे, ध्यान रखिए। विद्वान कभी दीक्षा नहीं लेता, पंडितों ने कभी दीक्षा नहीं ली, सन्यास नहीं लिया, ध्यान रखना, ये दूसरों को सन्यास दिलाते हैं, खुद का नंबर आता है तो खुद पीछे हो जाया करते हैं। एक पंडित जी मुझे मिले, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी जब पहली बार मुझसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जब मैं ब्रह्मचारी था, उन्होंने कहा कि भैया जी मैंने 150 पंच कल्याणक करा दिए। कितने? 150 प्रतिष्ठाएं करा दी। मैंने कहा 150? बोले हाँ।
तुम इनका 150 दीक्षा कल्याणक भी करा दिए। बोले करा दिए। तुम इनका 150 बार भगवान के कपड़े भी उतरवाए होंगे। बोले उतरवा दिए। मेरे जैसा विद्वान नहीं, मैंने कहा पंडित तेरे जैसा मूर्ख नहीं है। बोले क्या? मैंने कहा 150 बार भगवान के कपड़े उतरवाए, तुझे अपने उतारने की एक बार भी सुध नहीं आई। और मैंने कहा पंडित मैंने एक भी प्रतिष्ठा नहीं कराई, लेकिन एक बार देखी और मेरे कपड़े अपने आप उतर जाया करते हैं। विचार करिए, सोच विचार नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनकी दीक्षा हुई, महाराज अजमेर में थे, नई नई दीक्षार्थी थे, नई नई दीक्षा हुई थी। बड़ा प्यारा प्रसंग है उनका। और जब उनके पास एक विद्वान पहुंचा, विद्वान ने देखा महाराज की आदत है, नेचर में है, स्वभाव में है, कोई बनावटी जीवन नहीं है उनका, ध्यान रखिए, सिर उनका झुका रहता है, शुरू से ही झुका रहा, कभी नजरें उठाकर नहीं देखी। पंडित गए, विद्वान गए, पोथी पत्रा लेकर, महाराज, महाराज कुछ नहीं बोले। क्या बोले? हमारे जैसे हो तो बात भी कर ले, वो तो बोलते ही नहीं है। गए बोले महाराज, उस समय नए नए दीक्षार्थी थी, नई नई दीक्षा हुई थी, 23-24 साल के रहे होंगे महाराज। उन्होंने कहा कि महाराज नंगे हो गए, कपड़े उतार दिए, कुछ शास्त्र मास्त्र पढ़े हैं कि ऐसे ही आगम पढ़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। अरे समय सार पड़ा है? महाराज कुछ नहीं बोले। बोले बस कपड़े उतार के बैठ गए, रोटियां मिल रही हैं समाज की, आराम से जय जयकार, ख्याति लाभ। समय सार पढ़ा है आपने? जब 3 बार उसने बोला तो महाराज ने कहा अब तो जवाब देना जरूरी। अब बहुत ज्यादा पानी सर से ऊपर हो रहा है। उन्होंने कहा बोलो पंडित जी, क्या बोलना चाहते हो, क्या पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा समय सार पढ़ा है। महाराज ने कहा तुमने पढ़ा है? बोले हाँ। बोले कितनी बार? बोले 108 बार। बोले 108 बार समय सार पढ़ लिया? बोले पढ़ लिया। आचार्य से इसे पूछा आपने पढ़ा है? महाराज ने कहा पंडित जी हमने तो 108 बार नहीं पढ़ा है, हमने एक बार पढ़ा और कपड़े उतर गए, और तुम 108 बार पढ़ रहे हो और आज तक कपड़े उतारने की सुध नहीं आ, आज तक संन्यास की बात नहीं आ रही, क्या पढ़ा है तुमने? हमने एक बार पढ़ा और जिंदगी बदल गई। तुम जिंदगी भर पढ़ते हो और तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, संन्यास झटके में होता है। जिस दिन भाव बने तुरंत फुरंत, प्री प्लान नहीं, आज नहीं। कई हैं लेंगे महाराज बुढ़ापे में दीक्षा ले लेंगे, अभी क्या पढ़ा बाद में ले। एक बच्चा मेरे पास आया, बोले महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, आपके साथ चलूं? मैंने बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, बोले आपके साथ चलूं? मैंने कहा पक्का बता? बोले हाँ पक्का, मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। बाजू में दादाजी खड़े थे 70 साल के। बोले महाराज इसकी बातों में मत आना। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अरे बोले क्या पागलपन की बातें, ये इतना सा बच्चा कह रहा कि संन्यास लूंगा, दे मत देना महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले छोटा है। मैंने कहा दादाजी तुम बड़े हो गए, तुम तो हो गए 70 की, अब तुम चलो, बड़े जाते नहीं, छोटों को जाने नहीं देते, अब करें तो करें क्या, विचार करिए। पहले का वो जमाना था, एक संन्यास लेता था तो उसके साथ 4,000 लोग दीक्षा ले लेते थे, आज एक दीक्षा लेता है तो 4,000 रोकने को खड़े हो जाते हैं कि काय को ले रिया है, पंचम काल है, क्यों बर्बाद कर रहा है, मत ले दीक्षा। बाहरे जमाना, जब बच्चा बिगाड़ते हो तो ख्याल नहीं आता, बिगड़ जाता है तो फिर महाराज तुम्हें याद आते हैं। ध्यान रखिए, संन्यास झटके की चीज, झटके की चीज। मन में भाव जगे, घर छोड़ देना। एक बात ध्यान रखना विठल भाई, विठला, घर तुम ज्योतिषाचार हो ना, घर प्रवेश का तो मुहूर्त होता है, किसी ने मकान बनाया वास्तु का मुहूर्त होता है, घर प्रवेश का मुहूर्त होता है, लेकिन किसी ज्योतिष ने घर त्याग का कोई मुहूर्त बताया है क्या? ध्यान रखना, घर प्रवेश का मुहूर्त है लेकिन घर छोड़ने का कोई मुहूर्त नहीं हुआ करता है। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाए,
घर छोड़ने का जिस दिन घर छोड़ दो वही शुभ मुहूर्त हुआ करता है, इससे ज्यादा शुभ मुहूर्त दुनिया में कोई दूसरा। संन्यास के भाव आए तुरंत ले लेना, देर मत करना, कल पर मत डालना, आज ही कर लेना, अभी कर लेना, छोड़ देना घर, ध्यान रखिए। मान्यवर दान तुरंत भाव बने, तुरंत बोलो, घर में गए तो भाव ऐसे गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो तुम्हारे भावों में, ध्यान रखिए। दान के भाव तुरंत ले, आत्महत्या भाव बने, कौन बोला तुरंत कर लेंगे महाराज, ध्यान रखिए। आत्महत्या करने वाला सोचे कि चलो यार आज नहीं कल मर जाएंगे, वो आदमी कभी मरने, महिलाएं रोज बोलती हैं मरती थोड़ी है, ध्यान रखिए, विचार करिए, विचार करना सोचना है। आत्महत्या करने वाला सोचे आज नहीं कल मर जाए, वो कभी मरने वाला बेईमान आदमी। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, दान और संन्यास की बात हो तो तुरंत कर लेना, और मरने के विचार आए तो कल पर टल देना कि आज नहीं कल ये काम करेंगे, आज अभी हमें बहुत जीना है, जिंदगी को जियो, मरने के भाव कभी मत बनाए, जियो कितने भी कष्ट आ जाए। सीता ने 1000 कष्ट सहन किए, मरने के भाव नहीं लाई, ध्यान रखना, कभी नहीं लाई, कष्टों को सहन करने लगी। मैना ने, राम ने, बुद्ध ने, महावीर ने, पारसनाथ ने 1000 कष्ट सहे, लेकिन मरने के भाव उनके अंदर कभी नहीं आए। जिंदगी को पूरी जिंदा दिली से जियो। मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। जब मेरा 2003 में चतुर्मास 3 या 4 में इंदौर में हुआ, और जब मेरा चतुर्मास इंदौर में हुआ, मेरे दोनों घुटने खराब हो गए, मुझे सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती, लोगों ने, डॉक्टरों ने कहा कि आप आहार में सीढ़ी मत चढ़िए, नीचे कमरे में आहार लीजिए। एक पूना के डॉक्टर थे, डॉक्टर संचेती करके, घुटने के मास्टर थे, अब है नहीं मुझे नहीं मालूम, उनसे मेरी जांच हुई पूना में, MIR कराई घुटनों की, उन्होंने कहा घुटने खराब हैं आपके, इन्हें चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा उस समय मैं कितने साल कर रहा होऊंगा, 35, 36, 37, 38 साल का। उन्होंने कहा आपके घुटने चेंज होंगे। मैंने कहा घुटने चेंज होने का मतलब है ऑपरेशन, और ऑपरेशन का मतलब है इस्तीफा, रिजाइन तो देना ही पड़ेगा, दिगंबर मुनि ऑपरेशन तो करा नहीं सकता है, अस्पताल में एडमिट नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि मेरी बरसों की तपस्या बेकार हो जाएगी। उन्होंने कहा आप ध्यान रखिए। मैंने कहा नहीं कराऊंगा ऑपरेशन, तो बोले घुटने हैं घिसते जाएंगे, जो घुटने 20 साल चलना है वो 10 साल में खत्म हो जाएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आप आसन लगा के ना बैठे। मान्यवर जो आप मेरे कमरे में यहां पे देखते ना, मैं इस पर बैठा हूं, ये मेरा शौक नहीं है, पैर मैं इसलिए मुझे इस पर बैठना पड़ता है, बाकी सिंहासनों से हमारा कोई मोह नहीं हुआ करता है, ये समाज की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि पैर मोड़ के नहीं बैठना, तकलीफ होगी आपको। तकलीफ इतनी बढ़ी 2007 तक कि मुझे बिहार करने में दिक्कत होने लगी, पैरों में भयंकर दर्द रहता। मेरा 2007 में सूरत चतुर्मास हुआ, वहां से मैं पावागढ़ के लिए गया तीर्थ यात्रा करने के लिए, और जैसे ही पावागढ़ पहुंचा 3500 सीढ़ियां पावागढ़ की गुजरात में, मैंने कहा इतनी सीढ़ी मैं कैसे चढ़ूंगा, तो मैंने विचार किया कि कल सुबह भक्ति करके पाठ करके मैं जाऊंगा पावागढ़, नीचे वाली सीढ़ी पे खड़ा होकर उस तीर्थ की वंदना कर लूंगा, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है,